वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज से हम एक नया चैप्टर, नया अध्याय अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं। और वो क्या है बच्चों, आपको बता देती हूँ। आज से आपकी उषा सांगवान जो टीचर है वो आपको क्या करवाएगी, कंप्लीट रिवीजन। और मैं आप सभी लोगों को ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो जो ये मेरा वीडियो देखता चला जाएगा कहीं हार नहीं मानेगा। 40 मार्क्स का जो लिटरेचर है उस बच्चे के हाथ में रहेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के अंदर जो हमारा लेसन है लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन के अंदर आज मैं आपको जो कवर करूंगी वो थीम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आज तक के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस उसमें आए हैं मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। व्हाट इज द मेन समरी, समरी क्या है उस चैप्टर की, चैप्टर नहीं होता इंग्लिश में, लेसन होता है। तो इस लेसन की मेन समरी क्या है डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात जो है ना, हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे। लास्ट लेसन अल्फोंस डॉरर 13/5/1840 और 16/12/1897। थीम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो मेन थीम है इसकी। नॉलेज ऑफ मदर टंग, प्रोकास्टिनेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि कैसे हम चीजों को प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं और उस प्रोकास्टिनेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद है मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, एम हैमल है हमारे पास में प्रोटोगोनिस्ट, और फ्रेंच है द नरेटर, फ्रेंच यहाँ पर नरेटर है, और जो एम हैमल है वो प्रोटोगोनिस्ट है। एक फ्रेंच एजुकेटर है, बहुत इमोशनल टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, और अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ तो एक ओबीडियंट, एक सेंसिटिव चाइल्ड है, और बहुत ज़्यादा पश्चाता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है कि मैंने किस तरह से प्रोकास्टिनेशन किया, और काश मैं प्रोकास्टिनेशन नहीं करता तो शायद मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को होती है क्योंकि इसने पहले फोकस नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये एक स्कूल की लोकेशन है, यहाँ पर स्कूल है। और अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो एम हैमल फ्रेंच कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर वाचर है, और विलेजर्स हैं यहाँ पे, लोकेशन स्कूल की है। और प्रॉब्लम क्या है, फ्लैशबैक में थोड़ा सा चलते हैं। बिस्मार्क वॉज द लीडिंग हीरो और वॉर वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, और वॉर चल रहा था जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, एंड जर्मनी डिफीटेड द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, और डिफीट कर देते हैं अल्सेस एंड लोरेन दो जगह के ऊपर, और वहीं पर जर्मनी जो है ना अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर देती है। तो यहाँ पर एक समरी ये भी है कि नॉलेज ऑफ मदर टंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, एंड इम्पोजिंग ऑफ अदर लैंग्वेज ऑन एनीबडी एल्स इज ऑल्सो ए क्राइम, ये किस तरह से अगर आप किसी के ऊपर लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या आता है। अब समरी स्टार्ट करते हैं। समरी के अंदर जो नरेटर है फ्रेंच वो क्या बोल रहा है आज उसे, मैं साइड बाई साइड अपनी पेन कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं, जो भी बच्चे अपना जो पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट, इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन, लेसन के बिगनिंग में क्या होता है कि आज फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाह रहा, ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल। व्हाई, बिकॉज एम हैमल हैज गिवन हिम होमवर्क, उसको होमवर्क दिया है, और होमवर्क क्या था, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसे पार्टिसिपल्स के रूल लर्न करने थे। ही डिड नॉट लर्न, उसने लर्न नहीं करा, उसे नहीं आता, उसने कुछ सोचा ही नहीं, एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस, साइलेंट हो जाता है, उदास हो जाता है कि अब क्या किया जाए, बहुत उदास हो जाता है वो, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट एनी हाउ ही मास्टर अप द करेज। उसके पास में एक और भी प्रॉब्लम थी, बाहर उसे अट्रैक्शन मिल रहे थे, ये एज ना ये बड़ी खतरनाक सी एज है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब उसको अट्रैक्शन भी मिल रहे थे, और अट्रैक्शन क्या मिल रहा था, बर्ड्स वर चिरपिंग ओवर देयर, ठीक है, पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग द मशीन, सनशाइन वॉज ऑल्सो देयर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया है वो ये था कि वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे, और आंसर क्या रहेगा, बिकॉज ही वॉज गेटिंग वट, ही वॉज गेटिंग सो मैनी वट टेम्पटेशंस, उसके पास टेम्पटेशन क्या थी, पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, बाहर काम चल रहा था, तो ये टेम्पटेशंस उसके पास में थी। अब क्या होता है, एनी हाउ ही मस्टर अप करेज, मस्टर अप एक वर्ड आएगा, मीन्स ही कलेक्टेड ही नो शो करेज, उसने करेज दिखाया, एंड ही वेंट वेयर, वेंट टू स्कूल। वंस ही रीच द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है क्या देखता है वहां पर, वहां पर सब कुछ ऐसे ही साइलेंट। इससे पहले क्या होता है, स्कूल जाने से पहले देर वॉज ए बुलेटिन बोर्ड ऑन द वे, बुलेटिन बोर्ड होता है,
और बुलेटिन बोर्ड में क्या था, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द लास्ट टू ईयर हैज बीन डिस्प्लेड ओवर देयर। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज गुड न्यूज जितनी भी आती थी वो वहां पर पोस्ट करती जाती थी। आज बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वहां पर मिस्टर वाचर ने उसे बोला, डोंट रन फास्ट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, डोंट रन फास्ट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अब उसके लिए है, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, उसे ऐसे लगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, एवरीथिंग वॉज अनयूजुअल। यहां पर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट इज द रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड। आपको पहला वो क्वेश्चन लर्न करना है, रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड क्या था, इसका आंसर देखो। आंसर क्या आएगा, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन डिस्प्लेड ओवर देयर रिगार्डिंग पार्शियल कमांडिंग ऑफिसर्स रिगार्डिंग एनी इश्यूज। और आज जो भीड़ थी वहां पर किस लिए थी, बिकॉज वहां पर एक डिस्प्ले लगा दिया गया था। उस डिस्प्ले में क्या था कि फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स व्हाट विल हैपन, कल से क्या होगा वहां पर, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अब क्या होता है, वो स्कूल पहुंचता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां पर सब कुछ अनयूजुअल था। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स इन द स्कूल ऑन दैट डे। 3 अनयूजुअल थिंग्स थी, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग। सेकंड, एवरीवन वाज सिटिंग साइलेंटली, विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासेस, एंड एम हैमल वाज वियरिंग व्हाट, न्यू क्लॉथ्स व्हिच ही यूजुअली वियर्स ऑन द डेज ऑफ इंस्पेक्शन और एनी स्पेशल डे। 3 अनयूजुअल थिंग्स हुई। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इन द होल प्रेशर, पूरे एंगल के अंदर, पूरे प्रेमाइसिस के अंदर क्या हो रहा था, फ्लैग थे अल्सेस एंड लॉरेन के, साइलेंट, कुछ नहीं था, बहुत शांति थी। इससे पहले जैसे उसने डोर को ओपन किया, बड़ा मुश्किल होगा अगर सपोज करो मैं पढ़ा रही हूँ कोई आए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर जाता है, एम हैमल सेड आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द क्लास। अब उसे लगा था एम हैमल उसे डांटेगा, एम हैमल इज द टीचर, लेकिन टीचर ने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद टीचर ने कहा कि वेलकम, आइए, उसको वेलकम करता है, उसको अंदर बुलाता है। उसके लिए बड़ा व्हाट इज दिस, भाई चुप, अब क्या किया जाए, अंदर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो चीजों को समझ पाता, धीरे धीरे उसने अंदर एंट्री ली और उसने देखा कि विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंचेस। भाई विलेजर्स क्यों बैठे, अगर उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डरते डरते उसने एम हैमल की तरह से टेढ़ा देखा, एम हैमल भी अपना न्यू कोट पहने हुआ था, है, ही वॉज वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, इसको क्या हुआ, इसने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं। और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था इसने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं। चलो जी, एनी हाउ, बड़ा हैराने वाली बात थी। ये सब देख करके बड़ा शॉकिंग लगा सबको। अब क्या था, जैसे तैसे एम हैमल उठा, ही माउंटेड अप ऑन ए चेयर एंड ही सेड, टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लेसन। और जैसे उसने बोला टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ये वर्ड्स जो ना जस्ट लाइक थंडर क्लैप थे, थंडर क्लैप की तरह थे। और ऐसे फ्रेंच को समझ ही नहीं आया, व्हाट इज दिस। और उसके सारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, विल दे इम्पोज स्लेवरी ऑन देम आल्सो, क्योंकि कुछ पीजन्स कुकू की आवाज कर रहे थे, थंडर क्लैप की तरह थे। क्वेश्चन ये भी बनता है, विच वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप। उसके बाद अब तक उसके दिलो दिमाग के ऊपर सर को लेकर के, क्योंकि एम एम एल के एक स्ट्रिक्ट टीचर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वॉज हैविंग रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपने पास हाथ में, जैसे पहले वाले मास्टर होते थे ना, हाथ में लट रखते थे, तो उसके हाथ में रूलर था। उसको देख के वो घबरा जाता है, रूलर, अच्छा। लेकिन आज उसके दिलो दिमाग से सारे बैठा हुआ था। जो विलेजर्स बैठे हुए थे, देवर होल्डिंग द बुक ऑफ प्राइमर इन देर हैंड, प्राइमरी बुक्स थी, देवर राइटिंग समथिंग, कंप्लीट साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोला था, शांति का माहौल। विलेजर्स केम टू द स्कूल इन ऑर्डर टू पे देयर ट्रिब्यूट टू द पर्सन हु हैज बीन टीचिंग ओवर देयर फॉर द लास्ट 40 इयर्स। पिछले 40 सालों से जो मास्टर वहां पे पढ़ा रहा था, उसको ट्रिब्यूट भी करने के लिए ये लोग वहां पे आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि चुपचाप रहा एम हैमल, उठा, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से क्वेश्चन पूछा, और फ्रेंच वॉज अनेबल टू स्पीक, वो नहीं बोल पाया, वो वहीं पर फंस गया। तो यहां पर एम हैमल ने कुछ नहीं बोला, एम हैमल ने कहा, इट इज द हैबिट ऑफ वी पीपल टू कीप एवरीथिंग टिल टुमारो, प्रोकास्टिनेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं कि आई विल डू दिस वर्क टुमारो बिकॉज टूडे आई डोंट हैव टाइम एंड डेफिनेटली आई कंप्लीट इट टुमारो एंड टुमारो विल नेवर कम। इट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ द लाइफ कि टुमारो विल नेवर कम। तो यहां पर क्या चल रहा था, प्रोकास्टिनेशन, एवरी डे प्रोकास्टिनेशन वॉज गोइंग ऑन, प्रोकास्टिनेशन चल रहा था। तो यहां पर ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
फिर क्या होता है, एम हैमल बोलता है एक और उसने यूनिवर्सल ट्रूथ बताई, और एम हैमल ने एक और यूनिवर्सल ट्रूथ बताई, वो क्या थी कि देर आर टू पावरफुल पावर इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, वन इज पेरेंट एंड अनदर इज हू, अनदर इज, वन इज पेरेंट एंड अनदर इज कौन, टीचर। जब दोनों पावर मिलती है ना, एक बच्चा टॉप पे चला जाता है। अगर एक पावर एक्टिव और दूसरी पैसिव हो जाती है तब भी बच्चा टॉप पे चला जाता है, लेकिन अगर दोनों पावर पैसिव हो जाते हैं तो बच्चे का बेड़ा गर्क। और यहां फ्रेंड्स के केस में यही हुआ। क्या हुआ, दोनों के हालात खराब। और वो हालात खराब क्यों हुए, क्योंकि एम हैमल ने खुद बताया कि जब मैं बाहर घूमने जाता था, आई वॉज यूजली गिविंग टू वर्क टू यू, और आपके पेरेंट्स चाहते थे कि यू शुड वर्क एट ए फार्म हाउस, आपको जो है ना एक फार्म हाउस पे वर्क करना चाहिए। तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट नहीं है, इट इज माई फॉल्ट। एंड आफ्टर दैट एम हैमल टॉट ईच एंड एवरीथिंग, वन बाय वन लैंग्वेज बताई, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लॉजिकल मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। और उसने ये भी बताया, प्रिजर्व योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को आप जितना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखोगे क्या हो जाएगा, उतना ही। लैंग्वेज इज जस्ट लाइक द की ऑफ प्रिजन, आप मान लो किसी प्रिजन के अंदर बंद हैं और लैंग्वेज आपकी क्या है, उसकी चाबी है, क्योंकि लैंग्वेज से हम बहुत कुछ समझा सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है जहाँ से अपने व्यूज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने ये वाली बात भी बताई, और इसके बाद चैप्टर यहाँ पर इतने देर में वो देखता है कि ऊपर से आवाज़ आती है, हर सिस्टर, हिज सिस्टर वॉज पैकिंग द थिंग्स, और एम हैमल इधर उधर चीज़ों को देख रहा था। क्यों, बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग ओवर देयर फॉर द लास्ट 40 years, पिछले 40 सालों से काम कर रहा था। और इतनी देर के अंदर 12 o'clock हुए, एंड ही रोट वाइव ला फ्रांस ऑन द, ही टुक अ पीस ऑफ चौक, ही रोट वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस मीन्स लेव लॉन्ग फ्रांस। और जो बच्चे सब लोग बैठे थे, दे चैंटेड बेबी बाबू, मतलब ये जो प्राइमर थिंग्स होती हैं, वो समथिंग चॉक्ड इनसाइड हिज थ्रोट, उसके गले में जैसे लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने उसको चॉक किया हो, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज वेरी मच इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था वो उस टाइम के ऊपर। और इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट जो समरी थी आपकी मैंने डिस्कस करी, अब इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, 5 short इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो कर लेना, अश्योर करवा रही हूँ, बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स इन द स्कूल ऑन दैट डे। फोर्थ क्वेश्चन, विल दे इम्पोज स्लेवरी ऑन देम, हु सेड इट एंड व्हाई, दिस वन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड विलेजर कम टू द स्कूल। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिवर्सल थीम। अगला क्वेश्चन है, What is the importance of the French language discussed by what? Discussed by M. Hamel. ठीक है, ये 7 questions हैं, 7 ही question है इस chapter के अंदर। अगर आप ये 7 question कर लेते हैं तो कोई भी question इससे बाहर नहीं आएगा, I assure you। अगर हम बात long question की करते हैं तो long question के अंदर procrastination is always harmful। procrastination का मतलब क्या होता है, मैं आज नहीं करूंगा मैं कल कर लूंगा। कुछ लोगों की ये हैबिट होती है जो हमेशा ये कहते रहते हैं आज नहीं करा। कुछ बच्चे भी आपने देखा वो बोल देते हैं मम्मी प्लीज आज नहीं किया यार मैं कल कर लूंगा। या फिर कई बार होता है आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, हिस्ट्री है, कोई भी, आज नहीं पढ़ा यार मैं कल पढ़ लूंगा। लेकिन आप उसको नहीं पढ़ते, आप हमेशा क्या करते रहते हो, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हो, और उसका जो अंजाम होता है वो अच्छा नहीं होता। तो वी शुड अवॉइड व्हाट, प्रोकास्टिनेशन। हमें प्रोकास्टिनेशन को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर यही बताने की कोशिश करी है। दूसरी, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए थिंग व्हेन वी लूज इट। हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस तब पता होती है जब हम उस चीज को लूज कर देते हैं, और ये फैक्ट है। फैक्ट है या नहीं है, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए थिंग व्हेन वी लूज इट। जब हम किसी चीज को लूज कर देते हैं तो इंपॉर्टेंस वहीं खत्म हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा यहाँ लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उस वक्त पता लगी जब उनको लगा कि ये लैंग्वेज है ही नहीं भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था, व्हाट न्यूज़ केम फ्रॉम बर्लिन एंड हाउ डिड इम्पैक्ट टू द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिफाई द टाइटल, एक मैं ना इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से जस्टिफिकेशन अगर टाइटल आ जाता है तो आपको करना है और कैसे नहीं करना। थैंक यू ऑल।